हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल डीएमएस बेस्ट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एनआईटी कैलिकट की कट ऑफ्स बताऊंगा स्पोर्ट राउंड की, लास्ट ईयर की 2021 की। मैं लास्ट ईयर की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस साल की कट ऑफ अभी तक आई नहीं है। सभी ब्रांचेस की बताऊंगा, सभी कैटेगरीज की बताऊंगा। तो ये स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ है सीएसएबी की स्पेशल राउंड की, राउंड वन की। अब मैं आपको समझा देता हूं कुछ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। अब दूसरी बात ये कि एनआईटी कैलिकट के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, एनआईटी कैलिकट वन ऑफ दी बेस्ट एनआईटीज में से है, टॉप 5 एनआईटी में से है। प्लेसमेंट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और कैंपस और लोकेशन सब कुछ अच्छा है इसके अंदर। ये स्पेशल राउंड वन है। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स जो होती हैं वही नेक्स्ट ईयर कट ऑफ होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और जब आपको आप सब जेई मेंस जेई एडवांस देने के बाद जो सा काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग तो कराते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ अगर आपको सीट नहीं मिलती है, 6 राउंड का होता है, तो आप स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग करवाते हैं, जिसको जो होता है सीएसएबी, और ये स्पेशल राउंड जिसको बोलते हैं। इसमें 2 राउंड होते हैं, 1 और 2। इसमें राउंड 1 की बता रहा हूँ मैं, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सभी ब्रांचेस और सभी कैटेगरीज की। तो सबसे पहले अल्फा बीटेक और बीआरक के लिए है, तो अल्फाबेटिकली है तो आर्किटेक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले 5 ईयर का होता है बीआरक। इसमें जेई मेंस पेपर 2 के थ्रू एडमिशन होता है, नॉट पेपर 1। अब ये सेशन मत समझ लेना, पेपर 2 अलग होता है, एप्टीट्यूड और सब ड्राइंग का पेपर होता है उसके अंदर, और मैथमेटिक्स का। क्लोजिंग रैंक 2366 है ऑल इंडिया एसटी के लिए, और ये ज़्यादा मत हाई मत समझना है, जेई मेंस पेपर 2 के लिए बहुत सही रहेंगे, मतलब उसका अलग ही सिस्टम होता है। होम स्टेट की 463 है, बहुत हाई कट ऑफ है जनरल के लिए। ओबीसी 583 है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये स्पोर्ट राउंड होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जोसा नहीं है, जो सीएसएबी है, इसके अंदर सीआरएल एक्सेप्ट होता है, कैटेगरी रैंक एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन इसमें कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट आपका सीआरएल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सारी सीआरएल कट ऑफ दी हुई है सारी, कोई भी यहाँ पे देखो ओबीसी सॉरी अदर स्टेट की देखो, यहाँ 1279 ओबीसी के लिए, ये सारी ये सीआरएल है, नॉट कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं है। यहाँ पे बीटेक स्टार्ट हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी ऑल इंडिया एसटी 1 लाख है इसका देखो। और होम स्टेट में बात करें तो 75,000 पे आपको मिल रहा है यहाँ, और ओबीसी 1,34,000। तो देखो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है कैटेगरी का, लेकिन आपको सीआरएल यहाँ एक्सेप्ट होगी आपकी। अदर स्टेट में 44,000 है, 784। अब देखो आपको अदर यहाँ पे कैटेगरीज देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि सीटें फुल हो गई हैं यार, देखो सीटें फुल जाती हैं स्पोर्ट राउंड तक तो। और लेकिन अगर आपको पता करनी है इससे पहले की कट ऑफ, अगर आपके यहाँ पे सपोज आप ईडब्ल्यूएस हैं और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आप कमेंट में बताना, मैं आपका कट ऑफ बता दूंगा कितनी जाने वाली है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक, इसमें ऑल इंडिया एससी 1,06,000, एसटी 1,56,000। होम स्टेट की बात करें तो यहाँ जनरल के लिए 47,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी का देखना है, अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं। अदर स्टेट की बात करें तो 28,000 है, 916 अप्रोक्स 29,000। यहाँ अगेन अदर स्टेट वालों को कंपटीशन बहुत टफ है, उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो है ही यार अदर स्टेट वालों के लिए कहीं भी, अब इसीलिए यार समझ सकते हो बात को, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया एससी 93,000, ऑल इंडिया एसटी 1,24,000। और होम स्टेट की बात करें तो 63,000 पे आपको यहाँ पे मिल रहा है, और थोड़ा सा अनसर्टेन होता है ये स्पोर्ट राउंड का तो। और अदर स्टेट का यहाँ पे 32,000 है। अब आपको राउंड 1-2 में अगर आपको ये नहीं मिला तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो राउंड 1 में तो कट ऑफ हाई होती हैं जोसा की, 6 राउंड जोसा में चलती हैं, उसके बाद ही आता है, तो आपको अच्छा चांस है मिलने का। नेक्स्ट सीएस, इसके अंदर सीएस यार अगर आपको मैं एक हिंट दे दूं तो इसका एवरेज पैकेज 20+ तो पहले से ही था यार, लास्ट ईयर इसका 20+ था एवरेज पैकेज सीएस का, तो अभी तो बहुत इंक्रीज़ हो गया होगा। लास्ट टू लास्ट ईयर बता रहा हूँ, 2020 में इसका सीएस का पैकेज 20+ 2018-19 था, फिर लास्ट ईयर 20+ हो गया। इसमें कट ऑफ इसकी होम स्टेट जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1,49,000 है, और होम यहाँ पे होम स्टेट जनरल के लिए क्लोज हो चुका है, बताया था मैंने आपको, लेकिन अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करना और जोसा में चेक करके जा सकते, जोसा में दिया होगा। और अदर स्टेट जनरल की बात करें तो बहुत टफ है यहाँ पे, 3559 देख सकते हैं, 3600 अप्रोक्स, बहुत हाई कट ऑफ है, तो बहुत अच्छा भी है यार। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईईई यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। ऑल इंडिया एसटी 99,000, होम स्टेट इसका 21,000 है, 2 लाख बोल रहा था मैं। क्लोजिंग रैंक से हमारा मतलब होता है, ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं होता है, क्लोजिंग पे सीट फुल हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे, और वीडियो हमारी कभी भी देख सकते हैं आप अगर आपको जब जरूरत पड़े। अदर स्टेट की बात करें तो 14,000 है जनरल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी, इसमें होम स्टेट के लिए 16,000 है, बहुत हाई है, और अदर स्टेट के लिए 9,008 है, तो बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिलता है, ब्रांच ही बहुत अच्छी है यहाँ। नेक्स्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ऑल इंडिया एसटी 98,000, होम स्टेट जनरल 53,000।
और अगर अदर स्टेट की बात करें तो 20,969 है, 21,000 अप्रॉक्स। नेक्स्ट है मटेरियल साइंस, ऑल इंडिया एसटीए 184,000 है। होम स्टेट की बात करें तो 168,000 जनरल के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ये। और देख सकते हैं यार, और अदर स्टेट की है 40,000, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका आएगा। पर अदर स्टेट वाले हैं, आपको एनआईटी कैलिकट चाहिए ही, अगर आपको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है तो इधर आ सकते हैं आप, प्लेसमेंट तो हो ही जाती है वैसे। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया एससी 81,000 है, ऑल इंडिया एसटी 144,000 है। अब प्लेसमेंट की ही बात करते हैं तो देखो यार, एनआईटी कैलिकट के ऊपर मैं प्लेसमेंट वीडियो बहुत पहले ला चुका हूँ, 2020 के लिए भी, 21 के लिए भी, ऑल अबाउट एनआईटी कैलिकट भी कर रखा है मैंने, पूरी डिटेल्स कैंपस टूर से लेकर सब कुछ, वो वीडियो भी जाके देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। होम स्टेट का इसमें मैकेनिकल का था 29,568 अप्रोक्स, 30,000 अदर स्टेट का 22,449, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, प्लेसमेंट तो हो ही जाती है यार, अच्छी प्लेसमेंट होती है, वैसे लो ब्रांच में लो प्लेसमेंट होती है, आप सबको ये बात पता है, लेकिन प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी, टॉप 5 एनआईटीज़ में आता है, तो प्लेसमेंट वाइज तो टॉप 4-3 एनआईटीज़ में है इसको प्लेस मिला हुआ है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑल इंडिया एससी 1,52,000, ऑल इंडिया एससी फीमेल 1,76,000, यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में सीट फुल हुई नहीं है, इसीलिए कैटेगरीज दी हुई हैं। ऑल इंडिया एसटी 175, ऑल इंडिया एसटी फीमेल 187 देखो यहाँ पे गया हुआ है। और होम स्टेट के लिए यार, यहाँ पे जनरल के लिए 4,86,000 है, यहाँ पे देखो बोला था बहुत अनसर्टेन है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी 4 लाख प्लस चला जाए, लेकिन लो कट ऑफ जाएगी, ये बहुत पॉइंट करने वाली चीज़ है, देखो 5 लाख तक चला जा रहा है इसका, तो एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा मौका है आपके स्टेट का अगर आप होम स्टेट से। अदर स्टेट 38,000, यहाँ पे अगेन कंपटीशन टफ है बहुत ज़्यादा अदर स्टेट्स के लिए। यहाँ पे यार आज की वीडियो हमारी लेट हो गई है क्योंकि यार मैं बिज़ी रहता हूँ, और लेकिन मैंने बोला है कि मैं आपको वीडियो डेली लेके आऊँगा, तो डेली लेके आऊँगा, चाहे कितना भी बिज़ी रहूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो लेके आना है, तो इसके लिए यार सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे DM कर सकते हैं कुछ पूछना या बताना हो तो, और कमेंट में भी बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।